रघुवर दास होंगे झारखंड के नए मुख्यमंत्री। रांची में बीजेपी विधायक दल की बैठक में सर्वसम्मति से हुआ फैसला। बीजेपी विधायक दल की बैठक में मुहर पर्यवेक्षक के रूप में जेपी नड्डा भी रहे मौजूद। हमने रघुवर दास जी को झारखंड के विधानसभा में विधायक दल के नेता के रूप में घोषित किया और वो विधायक दल के नेता भारतीय जनता पार्टी की ओर से बने हैं। सीएम चुने जाने पर रघुवर दास ने जताई खुशी, पार्टी का जताया आभार। पार्टी के विधायकों ने और पार्टी ने जो मेरी ऊपर आस्था व्यक्त की, तो मैं अपने पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता, प्रदेश के नेता, सभी कार्यकर्ताओं का मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूं। झारखंड के पहले गैर आदिवासी मुख्यमंत्री बनेंगे रघुवर दास, 10वें सीएम के रूप में लेंगे शपथ। 26 जनवरी को रघुवर दास लेंगे शपथ, रांची के बिरसा मुंडा ग्राउंड में होगा शपथ ग्रहण। तो भारतीय जनता पार्टी ने सम्मान दिया तो झारखंड के सभी जो इस राज्य में लगभग 92% असंगठित मजदूर है, उस मजदूर की तरफ से मैं अपने नेतृत्व के प्रति आभार प्रकट करता हूं। 59 साल के रघुवर दास झारखंड बीजेपी में ओबीसी का अहम चेहरा माने जाते हैं, अमित शाह के करीबी। बीजेपी ने जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने की कोशिश की तेज, पीएमओ में मंत्री जितेंद्र सिंह हो सकते हैं मुख्यमंत्री पद के दावेदार, आज खत्म हो सकता है सस्पेंस। कश्मीर में के विधायकों से मिले केंद्रीय पर्यवेक्षक अरुण जेटली, कहा सरकार बनाने को लेकर खुले हैं सभी विकल्प। जम्मू कश्मीर में बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ मिलकर सरकार बनाने के सूत्रों के मुताबिक कल दिल्ली में अमित शाह और अरुण जेटली से मिले उमर अब्दुल्ला। बीजेपी नेता राम माधव ने किया मुलाकात का खंडन, उमर अब्दुल्ला ने भी बताया हुआ। बीजेपी की शर्तों पर सरकार बनाने को तैयार नहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस, पार्टी नेताओं से राय विचार के बाद उमर का फैसला, कल उमर रवाना होंगे लंदन। सूत्रों के मुताबिक राम माधव और पीडीपी नेता मुजफ्फर बेग में सरकार गठन पर दो दौर की बातचीत, सीएम पद को लेकर दोनों पार्टियों में पेच। पीडीपी ने मांगा 6 साल के लिए सीएम पद, सूत्रों के अनुसार पार्टी ने कॉमन मिनिमम प्रोग्राम का दिया सुझाव। कांग्रेस के साथ भी सरकार बनाने के फॉर्मूले पर पीडीपी कर रही है विचार, सज्जाद लोन और निर्दलियों के भी संपर्क में पार्टी। AK-47 से फायरिंग कर जीत का जश्न मनाते नजर आए सोनावर से पीडीपी विधायक अशरफ मीर, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को दी थी मार। असम के हालात पर गृहमंत्री राजनाथ सिंह से मिले सेना अध्यक्ष दलबीर सिंह सुहाग, बोडो उग्रवादियों के खिलाफ ऑपरेशन पर हुई बात। इस तरीके से ऐसा है, it was to review the security situation in Assam. And it will not be correct on my part to hereafter give any further details. ठीक है। एनडीएफबी उग्रवादियों के खिलाफ कार्रवाई, असम अरुणाचल की सीमा पर फुलवरी से ऑपरेशन ऑल आउट शुरू। ऑपरेशन में 50,000 पैरामिलिट्री फोर्स और 3,000 जवान तैनात, भारत सरकार ने चीन और म्यांमार को दी ऑपरेशन की जानकारी। बोडो उग्रवादियों के खिलाफ शाम 5 बजे तक असम बंद, नौगांव डिब्रूगढ़ समेत राज्य के कई हिस्सों में असर। असम के कई हिस्सों में बंद समर्थकों ने रोकी ट्रेन, रेल यातायात पर भी पड़ा असर। कई स्टेशन पर फंसे यात्री, असम युवा परिषद और ऑल आदिवासी स्टूडेंट्स यूनियन ने किया है बंद का ऐलान। फिलहाल कोकराझार में स्थिति में सुधार, सुबह 5 बजे से शाम 7 बजे तक दी गई कर्फ्यू में ढील। गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने असम में किया हमला प्रभावित इलाकों का दौरा, कहा नहीं सहेंगे आतंकवाद।
असम में उग्रवादी हमले के खिलाफ रांची में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने निकाला कैंडल मार्च, गुनहगारों पर फौरन कार्रवाई की मांग। राजस्थान के गृहमंत्री गुलाब चंद कटारिया समेत 10 कैबिनेट और 6 राज्य मंत्रियों को धमकी भरा ईमेल, इंडियन मुजाहिदीन ने दी आगामी 26 जनवरी को ब्लास्ट की धमकी। राजस्थान सरकार ने दिए इंडियन मुजाहिदीन के नाम से भेजे गए धमकी भरे ईमेल के जांच के आदेश, डीजीपी और एटीएस को सौंपी गई जांच। इंडियन मुजाहिदीन की धमकी पर गृहमंत्री गुलाब चंद कटारिया का बयान, बोले राजस्थान पुलिस की सुरक्षा पर पूरा भरोसा। विषय की जानकारी मिली है उसके अनुसार विभाग ने अपनी जो भी तैयारी पूर्व करनी चाहिए वो प्रारंभ कर दी है। मैं सोचता हूँ कि डीजी के ध्यान में ये विषय आया है और उसके आधार पर वो कार्रवाई कर रहा है। पंजाब के राजस्व मंत्री विक्रम मजीठिया पर कसा शिकंजा, लुधियाना के ईडी दफ्तर पहुंचे मजीठिया, ड्रग्स रैकेट मामले में पूछताछ। दिल्ली प्रदेश बीजेपी के नेताओं से मिले अमित शाह, मिशन दिल्ली पर हुई बात। दिल्ली मिशन है, दिल्ली के लिए उनके मार्गदर्शन में निश्चित रूप से हम सब लोग दिल्ली के चुनाव को फतह करेंगे, इसलिए आज वो मिलने के लिए। चुनावी चंदा जुटाने के लिए अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के तिलक नगर में किया डिनर का आयोजन, डिनर से करीब 25 लाख रुपए जुटाने का अनुमान। धर्मांतरण पर भोपाल में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज का बयान, कहा जब तक कानून नहीं बनेगा नहीं रुकेगा धर्मांतरण। जब तक एक धर्मांतरण विरोधी कानून केंद्र से पास नहीं होता तब तक धर्मांतरण जारी। यूपी के मैनपुरी में लालच देकर धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश में हिरासत में लिया गया एक शख्स, आरोपी 7 साल पहले ईसाई बन गया था। बोधगया के अतिया गांव में 40 महादलित परिवारों ने अपनाया ईसाई धर्म, क्रिसमस पर हुआ धर्मांतरण। टीपू सुल्तान की जयंती मनाने की कर्नाटक सरकार की घोषणा पर विवाद, बीजेपी ने कहा टीपू ने जबरन लोगों का कराया था धर्मांतरण। दिल्ली तेजाब कांड में 2 आरोपी गिरफ्तार, 2 नाबालिग हिरासत में। एक तरफा प्यार में लेडी डॉक्टर के साथी ने ही रची थी साजिश, आरोपी डॉक्टर गिरफ्तार। सजा से बचने के लिए आरोपी डॉक्टर का दाव, कहा पीड़िता से शादी करने के लिए तैयार हूं। दिल्ली से सटे मेवात में पुलिस ने किया रेव पार्टी का भंडाफोड़। फार्म हाउस पर छापा मारकर 40 लड़के, 4 लड़कियों को लिया गया हिरासत में। दिल्ली के विकासपुरी में छेड़छाड़ से परेशान छात्रा ने की खुदकुशी, घर वालों ने स्कूल में शव रखकर किया तोड़फोड़। पीड़ित के घर वालों ने 11वीं क्लास के लड़के पर लगाया परेशान करने का आरोप, 10वीं में पढ़ती थी पीड़ित लड़की। दिल्ली के संगम विहार इलाके में डबल मर्डर केस में 5 गिरफ्तार, सोमवार को हुई थी वारदात। संगम विहार के जंगल में लकड़ी चुनने गए थे बच्चे, शराब पी रहे 5 युवकों ने कुकर्म करने के बाद बच्चे का किया था कत्ल। दिल्ली के द्वारका में टैक्सी में चालक का शव मिलने से सनसनी, हार्ट अटैक से मौत का अंदेशा। चंडीगढ़ के होटल में लड़का लड़की ने सल्फाश खाकर की खुदकुशी, मौके से नहीं मिला सुसाइड नोट। चेक इन करने के तुरंत बाद दोनों ने खाया था सल्फास, लड़की की चीख पर होटल कर्मचारियों ने दोनों को पीजीआई में भर्ती कराया गया, इलाज के दौरान मौत। बिहार के सारण में टीचर के टॉर्चर पर स्कूली छात्रा ने की खुदकुशी, शायरी लिखने पर स्कूल ने पेरेंट्स को बुलाकर डांटा था। छात्रा की खुदकुशी पर स्कूली छात्रों ने निकाला कैंडल मार्च, स्कूल को ठहराया जिम्मेदार। सबसे ज्यादा दोषी स्कूल प्रशासन को मानते हैं जिसके कारण हमारी बच्ची खो दी, और ये प्रक्रिया आगे नहीं हो इसके लिए हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं और हम जो है संघर्ष कर रहे हैं। पंजाब के बठिंडा में 2 साधुओं की भीड़ ने की जमकर पिटाई, पुलिस ने साधुओं को हिरासत में लिया। साधुओं पर एक लड़की को नशीली चीज सुंघाकर बेहोश करने की कोशिश का आरोप, लड़की की चीख पर जुटी थी भीड़।
हैदराबाद में छेड़छाड़ पर लगाम लगाने के लिए पुलिस ने बनाई लड़कियों की सी टीम, पूरे शहर में 60 दस्ते तैनात। स्पाई कैम से लैस है सी टीम, सबूत के लिए वारदात कैमरे में कैद करने की कोशिश। सूरत में एक सब इंस्पेक्टर ने वर्दी का बनाया मजाक, बर्थडे पार्टी में डांसर पर उड़ाया नोट, पुलिस ने किया सस्पेंड। मेगा स्टार अमिताभ बच्चन को यश चोपड़ा मेमोरियल अवार्ड, भारतीय सिनेमा में योगदान के लिए मिला सम्मान। इतनी तारीफ के बाद आज ऐसा एहसास हुआ कि एक अदाकारी मैं नहीं सीख पाया, और ये कि जब इतने सारे लोग तारीफ करें तो मेरा एक्सप्रेशन क्या होना चाहिए। अमिताभ ने किया यश चोपड़ा को याद, कहा उनके साथ था पारिवारिक संबंध। इस मौके पर यश चोपड़ा की पत्नी पामेला चोपड़ा हुई भावुक, कहा उन्होंने यश जी को दी थी काम करने की पूरी आजादी। That my only contribution to Yash's success was that I never stopped him from doing what he wanted to do. दिल्ली समेत उत्तर भारत में कड़ाके की सर्दी, राजधानी के कनॉट प्लेस में मिला एक शख्स का शव, सर्दी से मौत की आशंका। फिलहाल दिल्ली और एनसीआर में खिली धूप, आज 5 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ न्यूनतम तापमान। जानलेवा होती जा रही है सर्दी, यूपी में 9 और पंजाब में 3 लोगों की मौत। यूपी के देवरिया में ठंड से बुरा हाल, लेकिन जिला प्रशासन अब तक नहीं कर पाया रैन बसेरा और अलाव का इंतजाम। सर्दी और कोहरे से रेलवे पर बुरा असर, देरी से चल रही है 180 से ज्यादा ट्रेनें। मेलबर्न में पहले दिन का खेल खत्म, ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 5 विकेट पर 259 रन। 72 रन के निजी स्कोर पर खेल रहे कप्तान स्मिथ, 23 रन पर हेडिन नाबाद। उमेश यादव और मोहम्मद शमी को मिले 2-2 विकेट, अश्विन ने झटके 1 विकेट। दिलीप वेंगसरकर की दादर यूनियन टीम ने वाडेकर के शिवाजी पार्क जिमखाना टीम को हराया, मुंबई में परंपरागत प्रतिद्वंदी रही है दोनों टीमें। मैच में पूर्व कप्तान सुनील गावस्कर ने की अंपायरिंग, पूर्व क्रिकेटर संजय मांजरेकर भी थे मौजूद। नासा के कैमरे ने कैद किया सौर तूफान का मंजर, 19 दिसंबर को सूरज की सतह पर उठा था तूफान। नासा के अंतरिक्ष यात्रियों ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में मनाया क्रिसमस, धरती पर भेजा बधाई संदेश। अमेरिकी नीतियों के खिलाफ रूस का तीखा विरोध प्रदर्शन, मॉस्को के शॉपिंग मॉल में पायदान पर लगाया अमेरिकी झंडा। हांगकांग में सड़कों पर हुई नोट की बारिश, 6,80,00,000 ले जा रही वैन हुई हादसे के शिकार, सड़कों पर बिखरे नोट। नोट लूटने लपक पड़े लोग, सिर्फ आधे पैसे ही बरामद कर पाई पुलिस।